नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 TV एवं पॉजिटिव। आज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट जो हरियाणा चैप्टर के द्वारा फरीदाबाद में गीता बालकृष्णन ने जो कि कलकत्ता से लेकर के नई दिल्ली तक पदयात्रा कह लीजिए या दौड़ कह लीजिए एक तरीके से करने का काम इन्होंने किया और इनका स्वागत आज फरीदाबाद में किया गया बड़े ज़ोर शोर से। अब इनसे हम जानेंगे आखिरकार क्या वजह रही जो आपको कलकत्ता से और दिल्ली की दौड़ लगानी पड़ी। दौड़ लगानी पड़ी मैं बोलूँगी नहीं, लेकिन दौड़ लगाने की इच्छा थी जी। और ये तकरीबन 1700 किलोमीटर की दूरी है और 3 किलोमीटर बचते हैं मुझे दिल्ली बॉर्डर पार करने में। और मैं एक वास्तुकार हूँ और सबसे ज़रूरी ये लगा मुझे कि एक्चुअली रास्ते में जब मैं चल रही थी तब भी मैंने जिन जिन से पूछा कि घर का नक्शा कौन बनाता है, मुझे वास्तुकार नाम कहीं सुनने में नहीं आया। तो इसकी जानकारी बढ़ाने की ज़रूरत है हमको और लोगों की समस्याएं समझकर मुझे ये हमारे आर्किटेक्ट समुदाय में बताने की ज़रूरत लगी कि लोगों की समस्याएं क्या हैं और हमको मैदान में उतरकर हमको क्या करना चाहिए। और ये मैसेज मैं हमारे आर्किटेक्ट्स कॉम में बताना चाहती हूँ और ये एक और इरादा था। तीसरा उद्देश्य ये था कि स्टूडेंट्स जो हैं आजकल आर्किटेक्चर जो पढ़ते हैं ज़्यादातर सिटीज़ से हैं, गांव में और विलेजेस से आर्किटेक्चर या वास्तुकला पढ़ने नहीं जाते हैं, इसकी जागरूकता भी बढ़ानी थी। तो ये तीन लाजली प्रमुख उद्देश्य नहीं, जैसे 1700 किलोमीटर का आपने बताया कि एक दायरा नाप दिया आपने पूरा और कुछ समस्याएं तो आई होंगी बीच में या हम कहें कि कुछ प्रोत्साहन भी किया होगा लोगों ने, दोनों बातें होती हैं। तो अगर आपने आज देखा मैं थोड़ी लंगड़ भी रही थी, आपने नोटिस किया कि नहीं पता नहीं, ग्वालियर में मैं एक साइकिल से गिर गई थी तो पैर में पहले तो फ्रैक्चर लग रहा था, सिर्फ 280 किलोमीटर बाकी हैं और 10 दिन में मैं तय कर सकती थी लेकिन 4 दिन का मेरा रह गया। फॉर्चुनेटली फ्रैक्चर नहीं रहा और ये एक मोच निकली और मैं चल पाई। अभी भी थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन ये जर्नी ख़त्म करनी है तो किसी भी तरह रुकनी नहीं चाहिए, तो इसीलिए जर्नी की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, मतलब कहाँ से आपने ऐसा सोचा कि इस तरीके से चीज़ें करनी चाहिए हमें? तो 4 साल पहले मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा जहाँ पे प्रिया दत्त और सुनील दत्त ने मुंबई से अमृतसर का जर्नी किया, तो उससे मुझे लगा कि कितना उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म हुआ होगा उस एक जर्नी से, क्योंकि भारत देश इतना सुंदर है और हम उसको इतने क्लोज नज़रिए से देख पाते हैं जब हम चलते हैं। तो प्रेरणा मुझे उससे मिली। उसके बाद 4 साल तक मैं उस आइडिया को कुरेती रही, सोचती रही उसके बारे में और फाइनली जाके जब आपकी यात्रा समाप्त होगी तो क्या आप किसी को एक ज्ञापन या कोई मांग पत्र कहीं सौंपेंगी, कुछ ऐसा भी इरादा तो है। हमने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट एंड हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को रिक्वेस्ट करने की सोची है। वाइस प्रेसिडेंट को ऑलरेडी गया हुआ है रिक्वेस्ट, तो जैसे जैसे रिप्लाई मिलता है उस हिसाब से हम बता पाएंगे कि सुरेंद्र जी आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के द्वारा जो फरीदाबाद चैप्टर आपका है हरियाणा चैप्टर उसके द्वारा किया गया स्वागत क्या कुछ खास रहा है? बहुत बढ़िया रहा। इसमें गीता बालकृष्णन भी जो 1700 किलोमीटर की ड्राइव करके आई हैं, ऑलमोस्ट अपने एंडिंग उस पर हैं मुहिम पे, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ शायद 23 से 25 किलोमीटर की यात्रा मैडम की बची है और मैडम ने जो अचीव किया है मार्वलस। मैडम से इंट्रोडक्शन है हमारी, हम नेटकॉन में मिले थे, मैम वाज चेयरपर्सन एट दैट टाइम, वेस्ट बंगाल की चैप्टर चेयरपर्सन रही हैं IIA की, तो वेल नोन फिगर हैं। जो इन्होंने एफर्ट किया है मार्वलस, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता, बल्कि हम लोग तो इस बारे में सोच भी नहीं सकते कि यार हम इतना लंबा चल पाएंगे। तो जो इन्होंने किया है आने वाले टाइम में सीज आई थिंक पद्मश्री मेटेरियल या जाएँ कि मैडम को आने वाले टाइम में पद्मश्री के लिए हम IIA के ब्याह पे जरूर नॉमिनेट करेंगे, काउंसिल के ब्याह पे नॉमिनेट करेंगे। तो आने वाले टाइम में जो चीज़ बींग ए शहर रिप्रेजेंटेटिव के भाई फरीदाबाद शहर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि भाई बंगाल वालों ने भी मैडम का स्वागत किया, झारखंड वालों ने भी किया, मध्य प्रदेश वालों ने भी किया, राजस्थान वालों ने किया और हमारे हरियाणा में से चुपचाप निकल जाएंगे, नहीं कोई नहीं सकता था। तो हमने बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे जो मैडम कुछ संदेश देना चाहेंगे खास करके महिलाओं को कि आप जैसी महिला किस तरीके से बना जा सकता है सीधे तौर पर? हाँ बिल्कुल देना चाहूँगी कि ये एक दिन एक सुबह उठ के मैं बोल दूँगी कि हाँ मुझे वॉक करना है और मेरा परिवार सब मान जाएगा, ऐसे तो नहीं हो सकता।
ये मेरे सालों से जिस तरह से मैंने रिलेशनशिप बनाया है घर में, जिस तरह से मैंने अपना अस्तित्व बना के रखा हुआ है और जिस तरह से मैंने बोला है कि मेरा भी कुछ जैसे मतलब अस्तित्व है, ये ज़रूरी है महिलाओं को शुरू से ही बना के रखने का। तभी जो सपोर्ट उनको मिलनी चाहिए, परमिशन मैं नहीं बोलूँगी, सपोर्ट जो उनको मिलनी चाहिए फैमिली से ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।